क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए आपके दिया हुआ है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी 17 and 350। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका ए दे दिया है कितना 17 और ए एन आपका दे दिया है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 यानी डी की वैल्यू गिवन है आपके पास 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस एन। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सब आपके पास है ही, आप 350 इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9, 17 माइनस कर दिए इधर लाके 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 एन माइनस 9, इधर 17 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 333, ठीक है ना, ये माइनस 9 इधर आ जाएगा प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 9 एन, यहाँ पे आपका आ गया कितना 342 और 9 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू एन आ गया, यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए इसको, 9 3 जा 27 और 7 बचा 9 8 जा 72, एन इक्वल टू आपका 38 आ गया, पहला आंसर आ गया आपके पास। अब आपको एस एन निकालना है तो सीधे आप एस एन के लिए फिर वही काम कर दीजिए, एन बाय टू ए प्लस ए एन, कितना काम दे रहा है ना छोटा वाला फार्मूला, है ना, तुरंत आसानी से निकल जाएगा हमारे यहाँ, 38/2 कर दीजिए यहाँ पे, ए की वैल्यू 17 है और प्लस 350 कैंसिल कर दीजिए यहाँ से 19 हो गया इंटू, इसको प्लस कर देंगे आपका आ जाएगा 367, ये आएगा ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 97 जा टेबल याद रखिए 133 13 हो गया, 96 जा 114 प्लस 13 कितना हो जाएगा 114 प्लस कितना 13 127 का 7 हो गया कैरी 12 हो गया और 19 3 57 और 57 प्लस 12 697 टेबल एकदम लम रखिए अच्छे से, ठीक है, तो 6 की वैल्यू आ गया, ठीक है, मैथ्स में टेबल बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात है देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है, मतलब एस 22 आपको फाइंड करना है, ठीक है, और डी की वैल्यू आपके पास 7 है और 22nd टर्म दिया हुआ है, ए 22 की वैल्यू आपके पास 149 गिवन है। अब आपको निकालना क्या है, एस 22 निकालना है, एन आपके पास 22 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करिए वही वाला फॉर्मूला पहले लगा दीजिए, लास्ट टर्म वाला ए निकल जाएगा पहले वहाँ से, तो एस 22 इक्वल टू 22/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही ना, एस 22 की वैल्यू आपके, लेकिन एक मिनट एस 22 भी तो नहीं दिया है ना, नहीं लग पाएगा, ए 22 वाले में जी इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, जरूरत पड़ेगी करेंगे हम लोग, ए 22 इक्वल टू ए प्लस 21 डी, ए 22 की वैल्यू 149, ए भी नहीं है हमारे पास और डी भी नहीं है, डी है, ठीक हो गया काम, 149 माइनस 7 1 7 7 2 14 इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमारी 2 मिल गई, उठा कर रख दीजिए इसमें 11 हो गया, ए की वैल्यू 2 है, 22 की वैल्यू 149, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1, अब यहाँ से आराम से आप निकाल लीजिए 11 हो गया, इसको जोड़ देंगे कितना 151, मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 1 11 1 11 5 55 156 6 5 हो गया, 11 1 11 और 5 16, एस 22 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1060।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। इसमें फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हूज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज गिवन। मीन्स आपको फाइंड करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में S51 फाइंड करना है आपको। आपके पास सेकेंड टर्म गिवन है A2 14 है, थर्ड टर्म A3 18 है, ठीक है। ठीक है, आ जाइए सॉल्यूशन निकाल लीजिए। दो टू तो है, इन दोनों से क्या निकाल दें। A2 की वैल्यू क्या है, A+D इक्वल टू 14। A3 की वैल्यू क्या है, A+2D इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, A खत्म हो गया, यहाँ -D इक्वल टू -4। डी वैल्यू कितनी मिल गई आपको, अब डी वैल्यू इसमें रख दीजिए यहाँ पे, A+4 इक्वल टू 14, देन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 -4 इक्वल टू 10। A वैल्यू क्या मिल गई आपको, 10। A मिल गया, D मिल गया, S51 निकाल दीजिए आप। 51/2 2A होता है, प्लस एन -1 इंटू डी, B4 आ गया आपके पास, सॉल्व कर दीजिए आराम से। 51/2 20 प्लस ये 50 हो गया, 54 जा 200, तो यहाँ पे आपका 51/2 इंटू 220, 2 से कैंसिल, 110 मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर वही आया क्या, 11 जा 11 1 हो गया, 6 बचा, 11 जा 5 जा 55 और 156 और 1 0 आंसर, ठीक है कि नहीं, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। एपी इज 49, S7 यानी 49 दिया, नोटेशन में लिखेंगे तो बहुत आसानी होती है। S17 की वैल्यू दिया हुआ है आपका 289, आपको N की वैल्यू फाइंड करना है उसको। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास S है ही, उसी की मदद लेनी पड़ेगी, और कोई मदद से हमारा काम होना नहीं, ठीक है। आइए S7 का फॉर्मूला रख दें, 7/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 7 -1 इंटू डी, S7 49 है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 7 डिवाइड में, यहाँ 2A प्लस 7 -1 6 हो गया, 60, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, यहाँ से 2 कॉमन ले लें हम, A प्लस 3D इक्वल टू 2, 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 7, यानी इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दें, इधर A प्लस 3D कर दें, ये क्या मिल जाएगा आपका, 14/2 इक्वल टू 7। पहला इक्वेशन आपका हो गया A+3D इक्वल टू इक्वेशन। दूसरे भाई साहब के पास चलिए, S17 इक्वल टू 17/2, 2A प्लस 17 -1 इंटू डी, S17 वैल्यू 289 है, 2 मल्टीप्लाई में आएगा और 17 डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे 2A प्लस 16 डी की बात हो रही है, 17 से कट जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 17 2 जा 34, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, A प्लस 8 डी, 2 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ, तो आपको मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, A प्लस 8 डी इक्वल टू 17, ये आपका क्वेश्चन नंबर। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आराम से। A की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट यहीं पे, है ना, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 -3D प्लस 8D इक्वल टू 17, और ये कितना हो गया, इसको यहाँ पर लिख दे। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 7 को मैं उधर भेज दूँ और -3 प्लस 8 5D इक्वल टू 17 -7 इक्वल टू 10, तो D इक्वल टू कितना आ गया आपका, 10/5 इक्वल टू, डी का काम हो गया, डी का मान इसमें रख दीजिए, है ना, फ्रॉम 1 A+3 इंटू 2 इक्वल टू 7,
a plus 6 equal to 7, a equal to 7 minus 6 equal to 1. आपको क्या निकालना था? n निकालना था, ऐसा निकालना था, ठीक है, गलत हो गया यहाँ पे, ये निकालना था, है ना? तो जब a और d मिल गया तो sn का फॉर्मूला रख दीजिए, यहाँ पे n के फॉर्म में आएगा, है ना, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, n by 2 रहने दीजिए, n के फॉर्म में ही है, a की वैल्यू 1 हो गई, n minus 1 और d की वैल्यू कितनी थी आपकी, 2 है, सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे, n by 2 ब्रैकेट में ये 2 हो गया, यहाँ पे 2n minus 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n by 2 into 2n, 2n भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया n square, यानी sn की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, काम इतना बड़ा कि आंसर हमारा छोटा सा है ना, ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लीजिए।